शाहरुख के जवान ने रिलीज होने के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। जहां ये लग रहा था कि मुश्किल है कि शाहरुख की पठान के मुकाबले जवान ना सिर्फ उतना अच्छा बिजनेस करेगी बल्कि सफलता के भी वही पैमाने तय करेगी, लेकिन जवान ने सबको गलत साबित कर दिया। शाहरुख की जवान बन चुकी है अब तक इंडियन सिनेमा की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर। इसके साथ ही पूरी दुनिया में ये पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो जवान ने अब तक 530 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और भारत में ये आंकड़ा 320 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि 2023 की ही बात करें तो ये तीसरी फिल्म है जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड का सूखा तो खत्म हो ही चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि शाहरुख जब ये कहते हैं कि उनका कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है तो साथ में वो ये भी साबित करते हैं कि वो खुद ही अपना कॉम्पिटिशन है, क्योंकि पठान के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था जो उन्होंने जवान तक कायम रखा है। तो इस लिहाज से जवान बन गई है अब तक की तीसरी सबसे सफल फिल्म हिंदी सिनेमा की। इसके साथ ही अगर बात करें साउथ इंडिया में जवान के प्यार की तो ये देखते ही बनता है। जी हाँ, साउथ की 5 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है। और हैरानी की बात तो ये है कि इससे पहले भी शाहरुख की ही फिल्म थी जिसने साउथ में सबसे अच्छा बिजनेस किया था, यानी कि अपना ही रिकॉर्ड, पठान का ही रिकॉर्ड तोड़ा है जवान ने। इसकी बड़ी वजह यही है कि शाहरुख का क्रेज तो एक तरफ है लेकिन साथ ही विजय सेतुपति, नयनतारा, प्रियमणि जैसे किरदारों को फिल्म के अंदर उतारना एक बहुत बड़ी बात थी जिसे काफ़ी पसंद किया है। और दूसरा, जवान एज अ फिल्म, इसमें जो फिल्म की लुक एंड फील है, जो कहानी है, एटली ने जो डायरेक्शन किया है उसमें साउथ सिनेमा की पूरी छाप, यानी कि जो रेलेवेंस का फैक्टर है वो भी साउथ के ऑडियंस ने बखूबी समझा है और इसलिए इस फिल्म को दिया है भरपूर प्यार। तो कुल मिलाकर के तेज़ी से आगे बढ़ रही है जवान और ऐसा लग रहा है कि इस साल की सबसे बड़ी ना सिर्फ ग्रॉसर बनेगी बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है।